का प्रोटेस्ट है आम आदमी पार्टी का। ये किसी के ज़ात के खिलाफ नहीं है, नए मरकज़ के ज़ात के खिलाफ हैं, बल्कि हम ये बावर देना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है कि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जिनके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ वर्बली कहा है, कोई ऑर्डर नहीं निकला है। आज का जो प्रोटेस्ट है, हम इसलिए उनको बावर करना चाहते हैं, हम इनके उन तक मैसेज देना चाहते हैं कि आज पूरी तौर आप ऑर्डर निकालिए। ये जो दुकानदार है सदियों से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, इनके साथ कौन सा ये इंसाफ हो रहा है? ये इनजस्टिस हो रहे हैं हमारे साथ, ये गरीबों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। हम इनको ये याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप बार बार कहते हैं गरीबों के साथ, प्रेस बाइट्स आ रही है, मीडिया प्रिंट मीडिया में आ रहा है, हमारे एलजी साहब का आ रहा है कि हम गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है इविक्शन प्रोसेस ठीक है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके साथ क्या किया जाए, हम उनके साथ नहीं है, लेकिन हम इसके साथ हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब दुकानदार है। यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, लोग तो तजुब के शिकार है, इस्तराबी के शिकार है, खौफ के शिकार है, लोग बेचारे परेशान हैं। हालांकि इनको नोटिस देनी चाहिए थी, आज घरों से बाहर निकलने से लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं कि हमारा घर न कोई किसी जगह इसका इवेक्शन न हो जाए। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से हम यही चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब से हम यही चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से हम यही चाहते हैं कि एक ऑर्डर निकालिए, ताकि लोग जो यहाँ तजुब में है, तजुब के शिकार है, जो गरीब आवाम है, उन तक ये ऑर्डर पहुँच जाए, और ताकि तमाम अफसरों तक ये ऑर्डर पहुंच जाए और ये गरीब लोग बच जाए। कौन सी खामोशी? हमने कोई खामोशी नहीं की। केजरीवाल ने अभी तक इस पे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल नहीं, केजरीवाल तो क्या है, मैंने जब बयान दिया है, हम केजरीवाल की पार्टी है, यहाँ पर उन्होंने यूनिट बनाया है, जम्मू कश्मीर में यूनिट बनाया है, आज केजरीवाल की तरफ से मैं बयान दे रहा हूँ, गरीबों को मत सताइए। जब तक यहाँ देखिए, हमारा यही कहना है कि हम किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन गरीबों को हर रोज़ सताया जाता है। गरीब दुकानदार जो है, जो सदियों से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, उन बेचारों ने क्या किया है, जो 70 से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, जो गरीब यहाँ पर बेचारा 4 मरले 5 मरले उनका ये शामिलात है या घास चराई हम कहते हैं, आज हम कहाँ जाएँगे? पहले उनको रिहेबिलिटेट कीजिए ना, फिर उनको उठाइए, पहले उनको रिहेबिलिटेट कीजिए।